अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब आवर टॉपिक एनर्जी बजट ऑफ रिस्पिरेशन। कि रिस्पिरेशन के दौरान जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कितनी है। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल डिस्कवरिंग द बजट ऑफ रिस्पिरेशन, वी शुड नो द टू पॉइंट्स दैट फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ NADH। वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। NADH के एक मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो ATP के प्रोड्यूस होंगे, एंड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस। कि NADH के एक मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स ATP के प्रोड्यूस होंगे, और FADH2 के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ATP प्रोड्यूस होंगे। नाउ विल कैलकुलेट द टोटल एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। वन इज ग्लाइकोलाइसिस। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस द मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड, then here we can say that 2 molecules of ATP are produced along with the formation of 2 molecules of NADH. 2 molecules of NADH are produced. As we described earlier, that from 1 molecule of NADH 3 molecules of ATP are produced. के NADH के एक मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल जो है वो ATP के प्रोड्यूस होंगे, but here वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज़ यूज्ड। एक मॉलिक्यूल जो है ATP का वो यूज़ होगा। कहाँ पर यूटिलाइज होगा? वी सी दैट ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। ऑन द अदर हैंड, क्रब साइकिल इज परफॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। बोथ प्रोसेस आर अकरिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है और क्रब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब जो भी हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, जो पाइरूविक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, वो ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में साइटोप्लाज्म में मूव हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, मूव करके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब इसकी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो यहाँ पर ATP की फॉर्म में जो है वो यूज़ होगी। अब एक मॉलिक्यूल, एक NADH के एक मॉलिक्यूल, जो 3 मॉलिक्यूल ATP के प्रोड्यूस हुए थे, उसमें से एक मॉलिक्यूल मूवमेंट में यूज़ हो जाएगा, और नेट हमारे पास कितने रह जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल ATP के रह जाएंगे। इफ़ वी कैलकुलेट द टोटल ATP विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम NADH, हेयर वी कैन कैलकुलेट दैट, हेयर वी कैन से दैट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH 3 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस, वन मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज इन द मूवमेंट, सो नेट रिमेनिंग अमाउंट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH। टोटल देर आर 2 मॉलिक्यूल, सो वी कैन से दैट 4 ATP आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। ऑन दी अदर हैंड, पाइरूविक एसिड इज चेंज इन टू एसिटाइल कोएंजाइम। पाइरूविक एसिड इज चेंज इन टू एन एसिटाइल कोएंजाइम बाय रिलीजिंग वन कार्बन एटम एंड कम्बाइनिंग विद द कोएंजाइम ए। व्हेन पाइरूविक एसिड रिलीज वन कार्बन एटम एंड कम्बाइन विद कोएंजाइम ए, देन इट इज़ नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। एट दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस। इफ वी कैन फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH वी कैन कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ ATP विच आर प्रोड्यूस इज 6। एसिटाइल कोएंजाइम नाउ देन गो इन टू अ क्रब साइकिल। ड्यूरिंग क्रब साइकिल 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। फ्रॉम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर प्रोड्यूस। सिमिलरली फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP।
देयर इज़ टू ATPO मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रोड्यूस एंड दीज टू ATPO मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस. इफ़ वी कैन एड अप ऑल दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP वी विल से दैट ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन. ऑन द अदर हैंड इफ वी से अबाउट एनारोबिक रिस्पायरेशन ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन ओनली पायरोविक एसिड इज प्रोड्यूस. सो ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस. इन केस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन ओनली टू मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर प्रोड्यूस. दिस इज़ द एनर्जी बचत विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन एंड इनएरोबिक रिस्पायरेशन. थैंक यू.